में नजर आई चेन्नई। हाई स्कोरिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रन से दी मात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 15 में मंगलवार को मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। फैंस के लिए मैच काफी एक्साइटमेंट वाला था क्योंकि दोनों ही तरफ से ग्लोबल स्टार्स इस मैच में हिस्सा ले रहे थे। एक तरफ विराट कोहली थे तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन यहां पर चला धोनी का जादू। दूसरी तरफ विराट कोहली अपने फैंस की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए और एक बार फिर एक बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे और एक रन बनाकर चलते बने। आपको बता दें कि इस मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया। 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने अपने नाम किए। वहीं चेन्नई की तरफ से रॉबिन उथप्पा का तूफान भी इस मैच में हमें देखने को मिला। आखिरकार चेन्नई ने 4 हार के बाद जीत हासिल कर ही ली। दूसरी तरफ अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिनेश कार्तिक अकेले ही इस मैच को चेन्नई से एक बार फिर छीन लेंगे और चेन्नई को लगातार 5 हार का सामना अब करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया। कार्तिक का विकेट झटक कर आरसीबी की उम्मीदों पर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने पानी फेर दिया। आइए रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं इस मैच की हाइलाइट्स। IPL 2022 के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आरसीबी के सामने 217 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। आरसीबी की ओर से शहबाज अहमद ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। वहीं चेन्नई के लिए महेश तीक्ष्णा ने 4 विकेट अपने नाम किए। जडेजा के खाते में भी 3 विकेट आए। शुरुआती 4 मैचों में मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन में ये पहली जीत रही। साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी बतौर कप्तान अपना पहला मैच जीता। वहीं बेंगलुरु की 5 मैचेस में ये दूसरी हार रही। इससे पहले चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 216 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। शिवम दुबे ने तूफानी पारी खेलते हुए 95 रन बनाए, जबकि रॉबिन उथप्पा ने 88 रन की पारी खेली। बेंगलुरु की ओर से वानिंदु हसरंगा के खाते में 2 विकेट आए। आपको बता दें कि शिवम दुबे ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 46 गेंदों पर नाबाद 95 रन बनाए। चेन्नई की पारी की आखिरी गेंद पर दुबे ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन फैफ टू प्लेसेस ने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। शिवम भले ही शतक पूरा न कर सके हो, लेकिन ये उनके आईपीएल करियर का सबसे बढ़िया स्कोर रहा। इसके अलावा रोबिन उथप्पा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में अपना आईपीएल करियर का 27वां अर्धशतक पूरा किया। रॉबिन उथप्पा ने 50 गेंदों में 88 रन की शानदार पारी खेली। कुल मिलाकर इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर हावी रही और इस मैच को शानदार तरीके से जीता। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स के साथ।